प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्ष काफी आलोचना कर रहा है, उनसे इस्तीफा मांग रहा है। प्रशांत किशोर जो कल तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ थे, पार्टी में उनके वरिष्ठ सहयोगी थे, आज उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जो प्रवासी कामगार थे, प्रवासी श्रमिक थे, वो लॉकडाउन के चलते अन्य राज्यों से बिहार में पहुंच रहे हैं। व्यवस्था जो नीतीश कुमार सरकार की ओर से की गई है उस पर सवाल उठ रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राजीव रंजन जी। राजीव रंजन जी, आपका स्वागत है प्रभात साक्षी पर। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि पीके ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उन्होंने कहा है कि जो व्यवस्थाएं की गई हैं वह दुखदाई हैं। प्रशांत किशोर जी का ट्वीट हैरानी पैदा करने वाला है। सामाजिक दूरी को लेकर के उन्होंने नीतीश कुमार जी पर प्रहार किया है, जबकि सच यह है कि वैश्विक विपदा के इस क्षण में इस तरह की सियासत दुर्भाग्यपूर्ण है। सोशल डिस्टेंसिंग इसका एकमात्र वैज्ञानिक समाधान है, और वैसे में इस तरह की राजनीति का मैं ये कह सकता हूँ कि ये वक्त नहीं है। और जब वो एक दौर में जनता दल यूनाइटेड के एक नेता रहे हैं और नीतीश कुमार जी की कार्यशैली से वो बखूबी परिचित हैं, ये बयान कहीं ना कहीं शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। रंजन जी, दूसरा सवाल आपसे यह रहेगा कि बिहार में दूसरे प्रदेशों से जो अप्रवासी जो श्रमिक थे, जो बिहार के ही रहने वाले हैं, वो वापस आ रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो नाकाफी हैं, उनके लिए जो प्रबंध किए गए हैं वो बिल्कुल अपर्याप्त हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? विपक्ष आज भी सियासत ही कर रहा है। इस संकट के समय जब सभी राजनीतिक दल, सभी सामाजिक गैर राजनीतिक संगठन मिलकर इस विपत्ति का सामना कर रहे हैं, वहाँ विपक्ष के इस गैर जिम्मेदाराना बयान पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बिहार में जो सुविधाएं बाहर से आने वाले मजदूरों को मिल रही हैं उस पर पूरे देश की नज़र है, और ये एक अनुकरणीय मॉडल है आपदा प्रबंधन का। जहाँ सीमा पर सीमा राहत केंद्र बनाए गए, वहाँ उनकी स्क्रीनिंग हो रही है, स्क्रीनिंग के बाद जिलों में उन्हें भेजा जा रहा है, जिला मुख्यालय में पहले से निर्धारित बसों में उन्हें उनके गंतव्य के गांव में भेजा जा रहा है, और गांव में वहां उन्हें क्वारंटाइन की 14 दिनों की जो मोहलत तय की गई है उसमें उन्हें वहां रहना है, और उसके बाद उन्हें घरों में भेजा जाएगा। मुझे लगता है कि जिस तरह से शहरों में 94 राहत आपदा केंद्र खोले गए हैं, और इन आपदा केंद्रों में जो निराश्रित बेसहारा और दिहाड़ी मजदूर हैं उन्हें भोजन और चिकित्सा की सुविधा मिल रही है, साथ ही साथ रैन बसेरों में भी दो वक्त का भोजन दिए जाने का काम शुरू हो गया है, जिस तरह से उनकी सुविधा के लिए लगातार बड़े ऐलान इस राज्य की ओर से हो रहे हैं। रंजन जी, एक सवाल और है, और वो सभी लोग देख पा रहे हैं कि बिहार में शायद पुलिस को, प्रशासन को लॉकडाउन को पूरी तरह सफल करा पाने में सफलता नहीं मिल पा रही है। बिहार में लॉकडाउन का पालन नहीं किए जाने का आरोप पूर्णतः निराधार है। बिहार की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लॉकडाउन 21 और कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर के राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो कदम उठाए गए हैं उसके साथ एकजुट और संकल्पित है। लॉकडाउन का असर राज्य के तमाम सड़कों पर दिख रहा है। बहुत आवश्यकता अगर नहीं है तो कोई भी सड़क पर नहीं जाता है। आवश्यक सेवाओं में जो शामिल लोग हैं उनके सिवाय किसी को भी सड़क पर जाने की अनुमति नहीं है। लोग घरों में रह करके अपने और अपने परिवार की हिफाजत कर रहे हैं, और ऐसे में इस तरह के बयानों का कोई औचित्य नहीं है। रंजन जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे यह रहेगा कि चूंकि अब विभिन्न राज्यों की जो सीमाएं हैं वो पूरी तरह सील हो चुकी हैं, कड़ा पहरा है, ऐसे में दूसरे राज्यों से आपके राज्य में आना अब मुश्किल काम है, खासतौर पर जो पलायन करके लोग आ रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि जो दूसरे राज्यों में श्रमिक फंसे हुए हैं, बिहार के हैं, बिहार मूल के हैं, उनके लिए आपकी सरकार क्या प्रबंध कर रही है? अगर उनके पास आश्रय नहीं है, भोजन नहीं है, तो आपकी सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं बिहार से बाहर? जिस तरह से राज्य ने देश में सबसे पहले बिहार में लॉकडाउन को अपनाया, उसी तरह से बिहार के लोगों की चिंता सबसे पहले नीतीश कुमार जी ने की, और बिहार की ओर से रेजिडेंट कमिश्नर को अधिकृत किया गया एक
नोडल ऑफिसर के तौर पर उन्हें राज्य सरकार ने नियुक्त करके उन्हें दूसरे राज्यों में समकक्ष अधिकारियों से बात करके वहाँ बिहारी मजदूरों को कोई कठिनाई नहीं हो उनके भोजन, उनके चिकित्सा, उनके स्वास्थ्य और तमाम सुविधाओं के लिए जरूरी निर्देश दिए। और ये कहा गया है कि उन राज्यों में जो भी व्यय होगा उस व्यय की भरपाई बिहार सरकार करेगी। धन्यवाद राजीव रंजन जी आपका मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये थे राजीव रंजन जी, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिन्होंने बिहार सरकार का पक्ष रखा जो वहां पर इस समय मुद्दे चल रहे हैं। फिलहाल देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ।